हाय एवरीवन, आई एम शाहीन अनीफ और हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, थॉट्स एंड यूनिवर्स आपको नेक्स्ट एक्शन क्या देने वाले, नेक्स्ट टास्क क्या देने वाले, आपको इसको कैसे पूरा करने वाले हो, वो सारी चीज़ें डीप लेवल पे हम रीडिंग करने वाले हैं। सो हम देखते हैं अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, बट साथ ही में हम देखते हैं आपके नेम के लेटर सी यू जे ओ डब्ल्यू आर एम N H Z Y A Z और F। ओके, आपके नेम सरनेम के लेटर भी हो सकते हैं और आपके नेम भी हो सकते हैं। ओके, अभी मैं देखती हूँ आपकी बर्थ डेट क्या है। ट्वेंटी नाइन भी है, फिफ्टीन, ट्वेंटी सिक्स, नाइनटीन, ट्वेंटी टू, थर्टी वन, थ्री, वन, सेवन, सेवनटीन, वन, ट्वेंटी नाइन, ओ माई गॉड। जबकि मैंने सच में मैंने 11 को था इसलिए मैंने 29 बोला था, बट 29 रियल में है। ठीक है, 25 आपके पार्टनर का भी 29 नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी 9, 10, 9 और 10 ही है, 16, 2, 8 और 30। ओके, अभी हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जजमेंट के लिए, जस्टिस के लिए आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, अपने आप को एक ऐसा लगता है एक डाकिया खत लेके आया, उसके इंतज़ार में हम बैठे होते हैं, इस टाइप की एनर्जी। एक जस्टिस और जजमेंट, ओ माय गॉड, जस्टिस भी इसके पास ही है, ओ माय गॉड, जस्ट ऑसम, आपको जस्ट मैनिफेस्ट करते हुए दिख रही हूँ, कहीं ना कहीं प्रेयर करते हुए देख रही हूँ, अपने आप को हर वो चीज़ से गाइड करते हुए देख रही हूँ, अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखा, आप अपने आप को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप से खुद से ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आप से बातें करना बहुत ही अलग बात होती है। देखो, सब लोग बोलते हैं कि अपने आप से पूछ लो, अपने आप से बात करो, लेकिन आपको रियल में पता चला, जैसे कि आपको ऐसे लगता है कि मेरी अंदर आत्मा है, आप अपने आत्मा से मिलो, अपने आप से अकेले अकेले बात कर रहे हो, आप क्या हो, कौन हो, क्यों हो, क्या ये बंदा आएगा, प्लीज़ मुझे जस्टिस है, एक टाइप के अपने आप से मिले हो आप। ठीक है, एक अजीब सी शांति है आपके मन में, लेकिन ये बेचैनी है। बोलते ना, आप इतने सीधे भी तो नहीं हो ना, प्रॉब्लम ये है। आप अपने सीधे भी तो नहीं है ना, आपको भी तो शांति पसंद नहीं है। ये तूफ़ान पहले की शांति है, टेंशन मत लेना, हम देखते हैं, क्योंकि ये जो शांति है ना, ये अच्छी भी नहीं होती है, क्योंकि ये तूफ़ान पहले की शांति है। सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है हम वो भी देखते हैं, क्योंकि ये जो शांति है ना, ऐसी है कि चिल बट बेचैनी वाली शांति है, इस टाइप की शांति। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे काम नहीं करना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, और भी देखते हैं कार्ड्स, नो डाउट। ओके गाइस, मैं एक नई चैनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ। उस चैनल के अंदर आपको अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो आप एक समझो कि पंछी को, एक बंद पंछी को, ठीक है, हम उसको उड़ाते हैं तो उसके उड़ते वक्त उसके थोड़े पंख थोड़े दर्द करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको बहुत बंद करके रखा है। आप एक्चुअली वो सब चीज़ों से निकल तो रहे हो अभी, आई थिंक सो 3 से 4 दिन पहले 3-4 दिन के बीच में आपने ये सब भी सोचा होगा कि ये बंदा कहीं मैरिड तो नहीं है, क्या ये एंगेजमेंट हुआ है, क्या वो किसी और के साथ है। वैसे किसी और वाली, ठीक है, ओके, शायद जिसने जो पहले कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हाँ वो किसी और के साथ है, तो वो अलग बात है कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिसने ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये तो किसी और के साथ है, ये नॉर्मल होता होगा जिसके साथ, लेकिन वो आजकल ऐसा सोचना स्टार्ट किया होगा कि मैरिड तो नहीं है ना, क्या इसके एंगेजमेंट तो नहीं हो गई, ये एंगेज, ये जो उससे झूठ तो नहीं बोल रहा, कुछ चीज़ें छुपा तो नहीं रहा, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं, बोलते ना, पानी में ठहराव है, लेकिन आप पत्थर डालोगे तो इतनी ज़ोर से आवाज आएगा कि आपको समझ में, वो एक मतलब तूफ़ान है आपके अंदर, शांत वाला तूफ़ान, और वो अच्छा नहीं होता।
मज़ा नहीं आता ज़िंदगी जीने में, ऐसा लगता है ज़िंदगी बोरिंग हो गई है, ऐसा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स आपको नेक्स्ट टास्क क्या देने वाली है। आपके पार्टनर के एनर्जी देखते हैं, इसके पहले हमने सोचा कि उनके नेम के लेटर भी देख लें। एम एल ए एच यू सी आर जेड ओ जे एन एच एक्स वाई के एम वी टी एन डी। अभी चलो हम आपके बर्थडे भी देख लेते हैं उनके, वैसे 29 याद रखना, देखते हैं इसमें भी आती है यानी 29। फाइव 13 20 11 28 4 8 19 15 ये क्या है 21 23 1 पांच नंबर भी हो सकता है 24 17 26 22 36 25 और 18। ओके, सो हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। क्या फील करते हैं वो आपके लिए? ओके, तो आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश है, आपको ये लगता है कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से वो आपको मिस कर नहीं कर रहे हैं, वो किसी और ज़िंदगी में खुश है, उनके साथ कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और वो उनके साथ खुश है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, बिल्कुल गलत फहमी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो शाइन आपको मिल रहा है, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, वो भी नहीं, मुझे नहीं देखना है इस टाइप का, वो भी समझ नहीं पा रहे। अभी इनको साइन दिखते हैं तो कुछ हर एक इंसान का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इनको जो एक चीज़ रिपीटेड हो रही उस चीज़ से बोलते हैं नहीं अभी मुझे नहीं होना, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं हो पाएगा, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। ठीक है, ये ऐसा अभी इनको जो फील हो रहा है ना, तो उनको ऐसा आपकी तरफ आप एग्जांपल दूँ तो हम कोई सेल में जाते तो हम कितने जल्दी सब चीज़ें ले लेते, तो ये भी ऐसा है कि कहीं इस बंदी को मैंने शायद इसको मिस कर दूंगा अपनी ज़िंदगी से, इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की वो जल्दबाजी करना चाहते। बट इनका कहीं ना कहीं अपने मन और दिमाग से अपने आप को ज्वाइन करते हुए बोलते ना, अपने आप से ही, आप जैसे अपने आप से बातें कर रहे हो ऐसे ही अपने आप से बातें कर, कहीं ये मैं अपने लव लाइफ को ख़राब तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये ही मेरी पार्टनर है क्या, ये इस टाइप की एनर्जी में ये खुद भी आ चुके हैं। अभी मैं ऐसे नॉर्मली बात करूँ तो ये अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों का रियूनियन है। अभी रियूनियन किसी का सपने में हो जाता है तब भी आप याद रखिएगा, एक या दो बार सपना आता है तो तीसरी बार या चौथी बार आपका सपना बदले आपका रियूनियन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जो किसी को बहुत ज़्यादा उनको सपने आते हैं फिजिकल होना अननोन पर्सन का, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत ही जल्दी रियूनियन है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनके ड्रीम आ रहे हैं आपको, तो आप ये समझ लो कि सपने में तो रियूनियन हो रहा है, साथ में आपका रियूनियन भी बहुत जल्दी है। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक बहुत ही जल्दी करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं, ये भी खुद नया स्टार्ट करना चाहते आपके साथ, उप्स एक मिनट गाइस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आप ये एनर्जी में आए हो ना फायरी एनर्जी के, नहीं बस इनफ इज इनफ, अपनी लाइफ को अपने आप पे लेना स्टार्ट किया, सबको माफ़ किया, तो दिस इज़ यू। तो इसकी वजह से आपका मैनिफेस्ट टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए ये रिश्ता आगे आएगा, आपकी लाइफ में कोई और भी एंट्री होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी में से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी वालों के लिए भी है, जिसकी लाइफ में ऐसा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो उनकी तरफ से निकलते हुए दिखाई दे, उनकी रियलिटी पता चल रही, उनको अभी बस
अभी बस ऊपर वाली के बोलते ना एक सरेंडर वाली एनर्जी, अभी कैसे भी अभी उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में से निकलना नहीं चाहते, उनको रियलाइज़ है कि ये जब तक वो साथ होती है तब तक ठीक है, जैसे ही वो हट गए, जैसे कि 5 मिनट उन्होंने फ़ोन से बात किया उसके बाद वो शांति हो जाती है, 5 मिनट के बाद इनको जो अकेलापन महसूस होता है ठीक है, वो अकेलापन उनको खाए जाता है, उनको रियलिटी पता चलती है कि उनकी लाइफ में है क्या, क्या है और क्या नहीं, ठीक है, हु यू आर, ठीक है, क्या थे, आपका वैल्यू क्या है अब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो वो उनको महसूस हो रहा है जो आपको प्यार से, ठीक है, जो ना बोल दिया है कि नहीं मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये है उनकी करंट एनर्जी, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं अपने मन से अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो एक्शन में आएगा, बट ध्यान रखना आपको बहुत जल्दी सपने में ये दिखाई देने वाले, सपने में रियूनियन होने वाला है, तो हो सकता है कि आपके सपने आ गए हैं 2 से 3 बार, तो आप ध्यान रखना कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखें और थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा हिम्मत करो और खूब खुश रहने की कोशिश करो, खूब बहुत ज़्यादा हिम्मत रखाने की, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करो जिससे ये रियूनियन ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये है उनकी एनर्जी। और अभी हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए नेक्स्ट टास्क क्या देने वाले हैं, वो भी हम देखते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले एक ही चीज़ बोला जाता है, जैसे मैंने आपको ये बोला ना, हम सेल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदे के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये बंदा चला जाएगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं, सब ख़त्म है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग से निकाल दो, ये आपको स्पेशली बोला जा रहा है, तब जाके आपको जस्टिस है, और इवन आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे, फिर आप बोलोगे तो मुझे तो यही बंदा चाहिए, बट यूनिवर्स से आपको टास्क तो देंगे, तो घबराना मत, जो कोई लड़का लड़की देखने आता है बिंदास जाके देख के आना, अपनी फैमिली का कभी भी मना मत करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी निकालो वो भी ज़रूरी है, ठीक है, कभी कभी मम्मी के साथ भी फाइट थोड़ी सी नोक झोंक करने में बड़ा मज़ा आता है, और फादर के साथ भी पैसे लेने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो भी ज़रूरी, और हाँ आप लोग घर से दूर रहते हो तो कभी कभी मम्मी पापा से थोड़ा सा इन्वॉल्व होना स्टार्ट करो, जिससे कि आप ये एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है आप मम्मी से फाइट तो नहीं करते हो, नो डाउट, मतलब मम्मी वो तो समझ गई, मम्मी आपकी बैंड बजा देगी वो तो समझ गई, लेकिन बोलते ना मम्मी के साथ प्यारी प्यारी नोकझोंक करने की आदत है पहले से आपको, तो उस आदत को एक प्यार से एक खूबसूरत वे में आप उनके साथ बाहर जाओ तो सही, घूम के तो आओ अपनी फैमिली के साथ, तब जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा, कुछ नया करो, कुछ नई ज़िंदगी ट्राई करो, आपको ये बोला जा रहा है आप ये आपके पास जो है ना, जो आपके लिए है ना वो कहीं नहीं जाएगा, उसके ऊपर किसी की नज़र भी नहीं जाएगी, और किसी की नज़र थर्ड पार्टी की है भी ना तो वो बंदा छोड़ देगा और चला जाएगा, सो डोंट वरी, जस्ट चिल यार, ओके आपकी ज़िंदगी में एक नोटबुक दिया है, ठीक है, आपको एक डायरी दिया है, और आप बस ऐसे लिखे बिना आप इसको समझ गए, लिखते ही नहीं हो, बस नहीं लिखना है मुझे, बस इस पेज को हटा दिया, नहीं लिखना है मुझे, इस टाइप की एनर्जी, तो ये तो सही नहीं है ना आपके लिए, नहीं सही नहीं है, ठीक है, तो ये मत करो, यूनिवर्स आपको नेक्स्ट टास्क यही दे रही है कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके पास कोई रिश्ता आ जाए, हो सकता है आप अपनी डेस्टिनी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये टास्क आपके लिए आने वाले, हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में रिश्ता आए, बातचीत हो, इवन आप अपने घर की फैमिली से, हो सकता है इत्तेफाकली कि आपके इस पार्टनर से इत्तेफाक से, जो आपके जॉब से जॉइंट हो या व्हाटएवर कहीं से, तो आपके पार्टनर से ये बातचीत हो जाए, अब ये बहुत लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा इत्तेफाकली आप ये जो पार्टनर के लिए आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इत्तेफाकली वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, हो सकता है कि आप अपनी जॉब के लिए जॉब के साथ काम करते हो तो हो सकता है वो आपके मैनेजर हो, तो अचानक से आपकी मॉम या डैड उनको फ़ोन करते, इस तरह से एक इंसिडेंट एक ऐसा ऐसा मौका मिलेगा, तो आप ध्यान रखना, वो बहुत लोगों के साथ, मैं फिर से बोल रही हूँ, एनर्जी मैच नहीं होगी, ओके, तो हम वो देखते हैं कि और क्या है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखो आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, मैं मना नहीं करती, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं कुछ और बोलती हूँ, ऐसा नहीं बोलती कि मैं अपने आप को भी शामिल नहीं करती हूँ इसमें, तो
आपका जो दिल करता है, आपको मेरी बातें दिल पे लगती हैं तो हाँ आपको ये करने की अच्छा लगता है तो आप ये करो, लेकिन आप अपने आप को इतना मत रोक लो कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सांस लेना भूल जाओ। आप सांस लेना भूल गए, आपको ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बस स्पिरिचुअल ही स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल हम कलयुग में हैं, हम सतयुग में नहीं हैं। तो आप वो सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके, अपने आप को ज़िंदगी में जीना तो सीखो। मुझे नहीं लगता कि आप जी रहे हो अच्छे से। तो आपको नेक्स्ट टास्क भी यही दिया जा रहा है कि भीड़ के अंदर जो सेल वाली चीज़ें आप जैसे बोलते हैं ना कि ये चला जाएगा बंदा, वो चीज़ें नहीं करनी है आपके पास। ऑप्शन भी आ रहे हैं जैसे मैंने उस चीज़ों से, अभी आप जब आपके पास कोई रिश्ता आता है या आपके पास कोई बंदा आता है, आपके हाय कैसी हो, पर आप इससे ऐसा बोलोगे नहीं मेरा पार्टनर के साथ में, मैं अपने पार्टनर के साथ में गलत बोलूँगी, नहीं, दोस्ती कर सकते हो आप, ठीक है, इंसान है, हम सभी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, ओके। दोस्त आपको वो हेल्प, शायद वो आपके पास हेल्प मांगने आ रहा है तो आप ऐसा बोलो कि वो बंदा मेरे साथ नहीं, अपने आप को क्यों रोकना है, सबसे बात करो, बट अपना लिमिट को आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, क्या हो और किस लिए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आपको नेक्स्ट टास्क यही दिया जा रहा है, और क्लिक एंड क्लेम, बाय बाय।